नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। जैसा कि हमने बताया था कि 24 जून शुक्रवार को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक डॉक्टर इमरान द्वारा कैंप का आयोजन उनके क्लिनिक इंडिया माइंड क्लिनिक पर किया जाएगा। इसी के तहत आज शुक्रवार को इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर मुरादाबाद के अलावा अन्य ज़िलों के मरीजों ने भी इस कैंप में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस कैंप में लगभग 50 से 60 मरीजों ने हिस्सा लिया और डॉक्टर इमरान द्वारा सभी मरीजों की बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनको अच्छी से अच्छी दवाई दी गई, जिससे कि जो मरीज दिमागी समस्याओं से परेशान हैं वह जल्दी से ठीक हो सकें और दोबारा से अपनी खूबसूरत ज़िंदगी में वापस लौट सकें। कैंप के इस आयोजन में सबसे पहले मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन के बाद सभी मरीजों ने डॉक्टर इमरान को अपनी बीमारी के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर इमरान द्वारा भी सभी मरीजों की बीमारियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुनकर उनको अच्छे इलाज का आश्वासन दिया गया। इस बीच कुछ मरीजों की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि वह लंबे समय से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD जैसी बीमारियों से परेशान थे, लेकिन डॉक्टर इमरान द्वारा उन सभी मरीजों को इन सब बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि इन बीमारियों का इलाज संभव है, आप लोग चिंता ना करें, आप सभी का इलाज संभव है और कहा गया कि आप लोग ठीक हो जाएंगे। इस बीच हमारे संवाददाता ने एक मरीज से बात की तो उन्होंने बताया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफत। आप कहाँ से आए हैं? संभल से। आज डॉक्टर साहब द्वारा कैंप लगाया गया था जी, तो इसमें आपने दिखाया डॉक्टर साहब को? जी, डॉक्टर साहब को दिखाया। क्या बीमारी है? डिप्रेशन की बीमारी से पीड़ित हूँ मैं जी, और कम से कम 1 साल से हूँ, पर डॉक्टर साहब की दवा से बहुत फ़ायदा है। अच्छा। और डॉक्टर साहब बहुत बेहतरीन डॉक्टर भी हैं और बहुत सोशल वर्कर भी हैं, और मैं मानता हूँ कि अल्लाह पाक ने उनके हाथ में बहुत शिफा दी है, मदद भी करते हैं गरीबों की उनके। और तो आपको डॉक्टर साहब की दवाई से फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये जो कैंप लगा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैंप बेहतरीन, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जो वो निकाला है एक प्रोग्राम अपना, ये इस तरीके से बहुत अच्छा है और जिससे गरीबों को मदद होगी। जो बेचारे डिप्रेशन के मरीज जो पैसे की वजह से इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि महंगा होता है डिप्रेशन, डॉक्टर साहब ने ये कदम उठा के बहुत बेहतरीन काम किया है, और उन लोगों के लिए जिनकी जो माध्यम स्थिति उनकी कमज़ोर है और डिप्रेशन का इलाज नहीं कर पाते महंगी महंगी दवाइयों की वजह से, तो उन्हें बहुत लाभ और फायदा पहुँचेगा जी। जी, डॉक्टर इमरान द्वारा बताया गया कि कैंप का आयोजन लगातार हर महीने के आखिरी शनिवार को किया जाएगा, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंप में हिस्सा ले सकें और अपनी बीमारी का इलाज करा सकें। इस बीच हमारे संवाददाता से बात करते हुए मुरादाबाद के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इमरान ने बताया। डॉक्टर साहब, आज आपके द्वारा कैंप का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहिए? इस कैंप का रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी लोगों में अवेयरनेस पहुंच चुकी थी चैनल्स के माध्यम से भी, और जो प्रचार हमारे द्वारा किया गया उसकी वजह से भी, तो काफ़ी लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया। कितने मरीजों ने इस कैंप में जो है हिस्सा लिया? मुझे लगता है करीब 45-50 पेशेंट अभी तक आ चुके होंगे, और अभी शायद 15-20 पेशेंट के और नंबर लगे हैं, तो कुल मिला के 60-75 पेशेंट इस कैंप में लाभ उठा पाएंगे। कौन कौन से रोग के मरीज जो थे वो आए? ज़्यादा पेशेंट डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, नींद की कमी, याददाश्त की कमी, या फिर मैनिया, और कुछ पेशेंट नशे वाले भी थे, जैसे मोबाइल की लत वाले भी 1-2 पेशेंट थे, तो सारे पेशेंट मानसिक रोग से जुड़े हुए इन्हीं सब बीमारियों के थे। इसमें महिलाएं पुरुष दोनों थे? इसमें सारे पेशेंट थे और करीब करीब बराबर ही पेशेंट होंगे सभी। अगली बार इस कैंप का आयोजन जो है वो कब किया जाएगा? इस बार ये कैंप हमने शुक्रवार को किया, लेकिन शुक्रवार शायद छुट्टी का दिन होने की वजह से लोग अपने और काम भी पूरे करते हैं, तो अगली बार हम हर महीने आखिरी शनिवार को ये कैंप किया करेंगे, एवरी मंथ लास्ट सैटरडे ये कैंप हुआ करेगा। हम अपने दर्शकों और जनता को बता दें कि अगली बार जब भी डॉक्टर इमरान द्वारा कैंप का आयोजन किया जाएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।